वैशानगर स्थित एक मकान से घर वालों की मौजूदगी में चोरों ने घर तोड़ा, 4 लाख का माल। मामला कृष्णगंज थाने में दर्ज। वैशाली नगर छतरी योजना स्थित एक घर में कल कुछ अज्ञात चोरों ने घुसकर घर वालों की मौजूदगी में ही 4 लाख की चोरी का अंजाम दिया। ममता रेड्डी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वह दूसरे कमरे में सो रहे थे और कूलर की आवाज़ की वजह से उन्हें चोरों के घुसने की आवाज़ नहीं आई। उन्होंने दूसरे कमरे में पड़ी अलमारी में से कैश और सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर चंपत हो गए। मामला कृष्णगंज थाना पुलिस में दर्ज करवाया गया है, जहाँ से चोरों की तलाश जारी है। हाँ बताइए, कैसे क्या चोरी हुई थी? क्या रात को चोर है ना, ये ग्रिल तोड़ के कूलर को खिसका के फिर अंदर आ गए थे, और फिर पर्स वगैरह सब, कैश वगैरह जो भी रखा हुआ था, ज्वेलरी वगैरह सब निकाल के लेके चले गए थे। कितने करीब की चोरी है? कितने करीब की मतलब 4 लाख के आसपास है, 4-5 लाख के आसपास। कैश है उसमें से 2 लाख के आसपास, और ज्वेलरी वगैरह 2 लाख के आसपास। अच्छा, पुलिस ने रिपोर्ट किया? हाँ, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। कहाँ सो रहे थे आप लोग? हम लोग पास वाले रूम में ही सो रहे थे, कूलर चल रहा था इसलिए गेट बंद था, तो आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आई, बिल्कुल पता ही नहीं चला। नहीं तो रोज उठते हैं, बच्चे वगैरह आते भी है इस रूम में भी, ये एक बच्ची 6:30 से 12 बजे आके गई है इस रूम में वॉशरूम करके, फिर पता नहीं कि सुबह उठ के देखा तो ये ग्रिल वगैरह टूटी हुई थी सुबह। बस, और तो सब ऐसे। अलमारियाँ वगैरह चेक करी? अलमारी वगैरह में सिर्फ कैश लिया, मतलब निकाल लिया, फिर वापस खाली निकाल के खाली पाउच यही पटक गए और पैक करके चले गए, बंद करके सब, वापस खिड़कियाँ बंद करके कूलर वापस सेट करके फिर निकाल के गए थे। पैसा कहाँ कहाँ रखा था? पैसा अलमारी में बच्चों के पैसे इकट्ठे किए हुए पड़े थे 30-40 हज़ार रुपये, एक बच्चे के उसमें पड़े थे 10 हज़ार रुपये, और प्लंग के ऊपर जो आके जेब से निकाल के रात को रखे थे उन्होंने 15-20 हज़ार रुपये, वो रुपये और ज्वेलरी वगैरह सब लेके चले गए थे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर? हाँ, रिपोर्ट दर्ज हो गई। ये कौन सी जगह? ये B46 वैशाली नगर अजमेर छतरी योजना। क्या नाम है आपका? ममता राठी। क्या कहते हो? हाउसवाइफ। भैया क्या कहते हैं? अपना नथरेवाद में बिजनेस है, चाचा जी कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे, राजेंद्र जी राठी, वाइफ सुरेंद्र जी राठी।